बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके लिए एक सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के सम्मान में एक डॉक्टर अंबेडकर सम्मान यात्रा के नाम से एक यात्रा की जाएगी। ये यात्रा पूरे देश में की जाएगी। साथियों, ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं होगी। साथियों, ये यात्रा बहुजनों का दिल खुश करके रख देगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा मैटर विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले हमारी एक छोटी सी अपील है, आप इस वीडियो को, इस संदेश को कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप, 5 फेसबुक ग्रुप और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें शेयर अवश्य करें, क्योंकि साथियों बहुजन समाज के व्यक्तियों के पास ये संदेश पहुँचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब साथियों, हम आपको पूरा मैटर विस्तार से समझाते हैं। साथियों, आपको पता है कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की मूर्तियां लगातार क्षतिग्रस्त होती रहती हैं, और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की मूर्तियां जो कि कुछ असामाजिक तत्व, तो कुछ मनवादी सोच रखने वाले, गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति लगातार क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। इसी के विरुद्ध जो कि एक हमारे बहुजन समाज के बहुत ही ज़्यादा बहुजन चिंतक हैं, माननीय अचल सिद्धार्थ यादव जी ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैसला लिया है। साथियों, वो फैसला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। साथियों, ये शब्द मैंने 2 बार बोला है, क्योंकि इस शब्द को 1000 बार बोला जाए तो भी ये शब्द कम है। साथियों, अचल सिद्धार्थ यादव जी ने फैसला ये लिया है कि जो कि एक डॉक्टर अंबेडकर नाम, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान यात्रा के नाम से एक पूरे देश में यात्रा की जाएगी। साथियों, उस यात्रा का उद्देश्य ये रहेगा, उस यात्रा करते समय जो कि अपने बहुजन समाज के व्यक्तियों के जो कि राय ली जाएगी कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की मूर्तियों को जो क्षतिग्रस्त करते हैं उनको फांसी की सजा की मांग की जाएगी, और इस यात्रा में सभी बहुजन समाज के व्यक्तियों को अचल सिद्धार्थ यादव जी का साथ देना है। साथियों, ये यात्रा 10 अक्टूबर 2020 यानी कि 1 या 2 महीने बाद से ये यात्रा की करना शुरू कर देंगे अचल सिद्धार्थ यादव जी। साथियों, ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा बहुजन समाज के लिए महत्व, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। साथियों, बहुजन समाज में बहुत ही ज़्यादा बड़े नेता आए, संगठन भी बने, और पर ऐसा फैसला किसी ने नहीं लिया जो फैसला माननीय श्री अचल सिद्धार्थ यादव जी ने लिया है। साथियों, ये फैसला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये फैसला है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की मूर्तियां लगातार क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। क्षतिग्रस्त करने वाले ना तो पकड़े जाते हैं, ना तो उनको कोई सजा मिलती है। साथियों, अब जो कि कानूनी तरीके से एक कानून बनवाया जाएगा, जो कि अचल सिद्धार्थ यादव जी इसकी शुरुआत कर चुके हैं, और पूर्व तरीके से ये शुरुआत 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। साथियों, ये जानकारी खुद अचल सिद्धार्थ यादव जी ने अपने फेसबुक अकाउंट से दी है। हमने जब अचल सिद्धार्थ यादव जी से बात की तो उनका यही कहना है कि इस यात्रा का सिर्फ उद्देश्य यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के सम्मान में ये यात्रा निकाल की जाएगी, और बहुजन समाज के व्यक्तियों की जो कि एकता करके, बहुजन समाज के व्यक्तियों को एक करके उनके दिल में ये बताया जाएगा कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का जो भी अपमान करता है उसको फांसी की सज़ा हो, देशद्रोही का मुकदमा उसके ऊपर लगे। साथियों, अब तक लगातार बहुत ही ज़्यादा मूर्ति तोड़ी गई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। आए दिन हम आपके बीच नई नई खबर लेकर आते रहते हैं, पर साथियों खबर तो हम लेकर आते रहते हैं, पर हम आपके बीच एक कोई ऐसी खबर नहीं लेके आए कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया या फिर उसको सजा मिली, ऐसी खबर हम नहीं लेकर आए। जब साथियों ये जो बिल पारित, ये जो संकल्प लिया है अचल सिद्धार्थ यादव ने, जो फैसला लिया है, अगर अचल सिद्धार्थ यादव जी इस फैसले में, इस अच्छे सराहनीय काम में सक्सेस हो जाते हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की मूर्तियां कभी नहीं तोड़ेंगी। जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, वो मूर्ति तोड़ने से पहले, क्षतिग्रस्त करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि एक ऐसा कानून आएगा इस यात्रा के बाद जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक होगा। साथियों, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि इस यात्रा के
इस यात्रा करने के बाद यही मांग की जाएगी कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्तियां जो भी क्षतिग्रस्त करते हैं उनके लिए कड़ा कानून बनाया जाए और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्तियां क्षतिग्रस्त करने वालों को फांसी की सजा हो, देशद्रोही का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो। साथियों, आप इस अचल सिद्धार्थ यादव जी के सराहनीय काम को किस नज़र से देखते हो, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। हमें आपकी राय की बहुत ही ज़्यादा जो कि इंतजार रहेगा। आप इस वीडियो को हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक पहुंचाएं। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हर एक 5-5 ग्रुप में शेयर अवश्य करें। तो साथियों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहेगी। जय भीम, जय भारत।